सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल डॉर द मेंटेन अपडेट वीडियो। एंड जैसे कि ओमेगा भाई ने बताया था कि आज से टीम सोल स्क्रिम्स खेलना स्टार्ट करने वाली है, ग्राइंड स्टार्ट हो जाएगा टीम सोल का। सो स्टार्ट हो चुका है एंड आपको ये वीडियो में टीम सोल का ओपी 12 फिनिशेस देखने को मिलने वाला है, वो भी कटका में खाली, जहाँ पे सोल अक्षत ने 1v3 और सोलो 7 फिनिशेस निकाले थे। एंड गटका में बैक टू बैक फाइट होती है जहाँ पे 5 to 6 स्क्वाड आ जाती है। और बस अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 400 सब्सक्राइबर और चाहिए 53K के लिए, सो कर देना। एंड बस चलते हैं सीधा मैच की तरफ। 5 टीम ब्लैक ऑफिशियल एंड टीम सोल, एंड सबको पता है कि सोल का ये ड्रॉप रहने वाला है। एंड बात करें हेक्टर की, थोड़ा जरूर से वो लो है, एचपी उनकी थोड़ी सी खपत हुई है आईटी को ग्रेनेड से, बट फिलहाल इतना खासा कुछ दिक्कत अभी होने वाले हैं नहीं। की बात करें फिलहाल के केरला, उन्हें जरूर से टेक डाउन किया जाएगा। एंड इसी के साथ एक पहला पिक जरूर से निकाला गया टीम नंबर 5। थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर रहने वाला क्योंकि उनके अगेंस्ट रहने वाली टीम सोल, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू एलिमिनेट दम, तो दिक्कतें होने वाली हैं। एंड एक टेकडाउन जरूर से किया गया। नियो की बात करें INC के, ओके अगेन एक प्लेयर को टेकडाउन किया जाएगा XLR8, और उन्हें भी फिनिश कर दिया जाएगा सीचेन। इस मौजूदा स्थिति में उनकी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। एक 1v4 की प्रॉपर फाइट रहने वाली है इनके अगेंस्ट, जो कि निकाल के लेके जाना अत्यंत मुश्किल इनके लिए होने वाला है। लेट्स सी वो निकाल के ले जाते हैं, टेकडाउन निकाल के लेके जाते हैं क्या होता है। उसके बाद ओमेगा, उन्हें भी टेकडाउन किया जाए, ओके हेक्टर उन्हें टेकडाउन किया गया। ओमेगा वो आए पीछे से, कवर काफ़ी बढ़िया उनके द्वारा दिया जरूर से गया। एंड इसी के साथ टीम 5 तीन प्लेयर अपने गवाती हुई जरूर से हमें देखने को मिल जाएगी। एंड टीम 17 कहीं ना कहीं उनका वो थर्ड पार्टी आता है वो हमें देखने को मिलने वाला टीम 17 को, लिबरेटी स्पोर्ट्स। एंड टीम 17 ओमेगा की बात करें काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाले जरूर से, एंड टीम 17 वो नहीं रुकने का नाम ले रहे, वो बिल्कुल बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। वो स्पीड चल करके उसकी बात करें लेट जरूर हमें देखने को मिलने वाले। एंड दिक्कतें दोनों टीमों के लिए बढ़ने वाली, 4v4 की प्रॉपर फाइट रहने वाली, लेट्स सी कौन सी ये टीम होने वाली जो निकाल के लेके जाएगी। एंड थर्ड पार्टी टीम 17 उनकी ओर से आया जरूर से, लेकिन दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ सकती हैं। चारों के चारों प्लेयर रहने वाले हैं, तीन फिनिश फिलहाल इनके पास रहने वाले। बात करें DC की, उन्हें जरूर से टेक डाउन किया गया। अक्षत की बात करें थोड़ा राइट साइड रहने वाले, यहाँ दिक्कतें वो बढ़ा सकते हैं अगर राइट साइड कोई प्लेयर ओपन आया, बट तीनों की बात करें काफ़ी ज़्यादा आगे आए थे, जो ग्रेनेड कनेक्शन बना के फिलहाल के लिए नहीं जाएगा। एंड फाइट अभी वो कंटिन्यूस चलती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड अक्षत थोड़ा राइट जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल निकालने की भी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। आई थिंक वो छत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, एंड बट वो छत पर चढ़ने के लिए वो वेपन इतने खासा उनके पास, ओके UMP एंड रहने वाली है शॉटगन की बात करती है। वो फाइट इनिशिएट होते हुए हमें देखने को मिली कि पहला टेकडाउन, दूसरा भी टेकडाउन निकाल जरूर से दिया गया। एंड ओमेगा की बात करें दोनों ही प्लेयर्स वो मोहली के चपेट में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। 0 वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आई थिंक लास्ट दो प्लेयर बचने वाले हैं, एंडस्ट्रॉम एंड एरक्यूस। अगेन एंडस्ट्रॉम वो मोहली फेंकते हुए जरूर से हमें देखने को मिल जाएंगे, बट कनेक्शन नहीं मिलने वाला क्योंकि वो फिर रोका जरूर से गया, रोक रहे थामने के लिए टीम सोल को, थोड़ा उन पर लगाम लगाने के लिए वो मोहली फेंकी गई, बट आई डोंट थिंक सी टीम सोल वो रुकने का नाम लेने वाले क्योंकि उन्हें पता है मोहली है, तो थोड़ा वेट करेगी बस, उससे ज़्यादा खासा कुछ वो नहीं करने वाले क्योंकि एलिमिनेशन वो तत्पर रहने वाले। सारा की बात करें उन्होंने यहीं आके दस्तक जरूर से दे दिया है, एंड दिक्कत है उनकी भी बढ़ सकती है। लेट्स सी वो ऊपर से नॉक निकालने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, बट सारा दिक्कत है उनकी भी बढ़ सकती है। एंड स्टॉप उन्हें भी टेकडाउन किया गया, लास्ट ईयर बचने वाले यार क्यूज, एंड वो दिखती है उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ टीम सोल की बात करें 7 प्यारे फिनिशर्स के साथ अपना ड्रॉप अभी भी क्लियर करते हुए देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी भी एक टीम मौजूद रहने वाली विच इज गोइंग टू बी टीम 5। सारा थर्ड पार्टी करने के लिए जरूर से, एंड हेक्टर की बात करो टेकडाउन काफ़ी ज़्यादा दूर से टीम फिनिक्स ने जरूर किया है, बट आई थिंक वो स्लैम भी करना चाहते हैं क्योंकि वो टेकडाउन आई थिंक जायज नहीं देना जाने देना चाहेंगे क्योंकि सही समय रहने वाला उनके पास। नियो की बात करें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे की ओर बढ़े, एक बार फिर उनकी फाइट रहने वाली है। एंड इसी के साथ उन्हें एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा टीम 5, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फाइनल में बात करें नंबर ऑफ फिनिशेस की टीम सोल, उस 7 की बजाय 8 जरूर से हो गए टीम फिनिक्स। यहाँ उनका भी एक थर्ड पार्टी का स्लैम जरूर से आता है वो देखने को मिलेगा, एंड टीम सोल उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है, एक अगेन फाइट लेने के वो तैयार है, सेटल है पूरी की पूरी वो टीम। एंड टीम फिनिक्स लेट्स सी थर्ड पार्टी का वो फायदा उठा के लेके जाते हुए देखने को मिलेंगे या फिर उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि टीम सोल वो हर एक फाइट के बाद उतनी ही तैयार है जितनी वो पहली फाइट के लिए थी।
ढंडुस तैयारी के साथ किसी भी टीम को एलिमिनेट करने का वो पूरा साहस उनके पास है। एक्सेप्ट की बात करें थोड़ा आगे जरूर से मौजूद रहने वाले हैं। एंडेस की बात करें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो आगे की ओर मूव करने वाले हैं। इवन ऑफ ग्रेनेड जरूर से कुक किया गया, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश भी की जाएगी। एंड अक्षत इसी कंपाउंड में मौजूद है। TPP लेने के ओमेगा की बात करें उन्होंने टेक डाउन जरूर से किया था बट रिटेलिएशन नॉक जाएगा क्योंकि नॉक को ग्रेनेड जाएगा जो कनेक्शन ढूंढ के जाएगा। एंड बात करें टीम 16 वो भी कहीं ना कहीं इसी एरिया में हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर वो फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स पार्टी हो सकती है क्योंकि तीन फाइटें जरूर से होगी। इक्विनॉक्स की बात करें उन्हें टेकडाउन किया जाएगा। अक्षत की वो पोजीशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अच्छी रहने वाली है। पहला टेकडाउन जरूर से निकाल दिया है इसके साथ उन्हें भी टेकडाउन कर दिया जाएगा क्योंकि रिटेलिएशन नॉक काफ़ी ज़्यादा प्यारा जरूर से दिया गया है। बात करें दोनों ही टीमें एक एक प्लेयर के साथ वो रिटेलिएशन दे रही है फिलहाल के। जी हाँ, एक एक प्लेयर के साथ वो रिटेलिएशन। एंड रोल की बात करें काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाले हैं टीम 16। जी हाँ, वो एक फिफ्थ पार्टी करते हुए देखने को मिलेगी। एंड टीम 16 वो कहीं ना कहीं अब लड़खड़ाते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट प्लेयर बचने वाले भी गोइंग टू बी न्यू। एंड न्यू के सामने वो 1v8 का सिनारियो रहने वाला है क्योंकि उन्हें टीम 16 से भी बचना है, टीम 10 से भी बचना है। एंड अपने टीम को भी आगे लेके जा रहा है तो जो कि इस कार्य में बहुत रहने वाला है टीम 16। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेहतर फायदा उठाया इस फाइट का। तीन फिनिश आई थिंक उनके उन्होंने जी नहीं दो फिनिश अपने नाम जरूर से कर लिया। बट गॉड की बात करें एक 1v1 की फाइट थी। एंड अल्ट्रॉन बस मौजूद जरूर से रहने वाला है। एंड स्पॉट आई थिंक वो है। एंड ऑलरेडी अल्ट्रॉन की बात करें आई थिंक ग्रेनेड उन्होंने कुक किया। करेक्शन जी नहीं, वो थोड़ा करेक्शन मिल जाता अगर वो ग्रेनेड सही समय पर सही जगह फटता। बट फिलहाल के लिए कनेक्शन नहीं मिला। इक्विनॉक्स की बात करें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे की ओर जरूर से बढ़ने वाले, तब तक वो मौजूद रहेंगे कवर देने के लिए। डैमेज दिया गया है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। न्यू की बात करें फर्स्ट एड आई थिंक रहने वाला है कि नहीं, वो फर्स्ट एड नहीं मौजूद उनके पास, वो बैंडेजेस ही रहेंगे। जिसी के साथ टीम सोल थोड़ी धड़कन उनकी जरूर से बढ़िया थी। फर्स्ट एड प्रोवाइड जरूर से की गई है, मुहैया करवाया गया है फर्स्ट एड को। एंड ओके, ग्रेनेड बमबारी भी फिलहाल के लिए की जरूर से जा रही है दोनों टीमों की ओर से। कुछ खासा कनेक्शन किसी को भी नहीं मिलने वाला। एंड बात करें विकिनॉक्स काफ़ी ज़्यादा लो वो जरूर से हैं फिलहाल के लिए। स्ट्रेंज की ओके, स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा प्यारा एंगल उनके पास भी रहने वाला है। वो वहाँ से कवर देने की कोशिश जरूर से करेंगे बट लेट्स सी वो कवर कितना खासा कामयाब रहता है उनका। स्ट्रेंज एक फ्लैंक लेने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षत उन्हें टेक डाउन कर दिया जा सकता है अगर उन्हें पोजीशन नहीं पता। जी हाँ, अक्षत खतरे में जरूर से रहने वाले ओके, उन्हें कहीं ना कहीं उनके पोजीशन का अंदाजा जरूर से रहने वाला है। एंड टीम 10 इक्विनॉक्स उन्हें टेक डाउन किया गया। 1v2 की फाइट अगेंस्ट अक्षत रहने वाली। लड़की निकाल के ले जाते हैं देखने को मिले। अल्ट्रॉन उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। अक्षत शॉटगन बोलती हुई उनकी जरूर से देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ टीम 10 उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एंड नंबर ऑफ फिनिशेस की बात करें अक्षत उनके पास इंडिविजुअली 7 फिनिशेस रहने वाले हैं। एंड वो फेदर ऑन पॉइंट अपना गेम रखते। बाकी आपको टीम सोल का ये वेलकम टू कटका की फाइट कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आपने सोल नियो का ओपी तोड़फोड़ वाला मैच नहीं देखा है वो भी लेटेस्ट ही है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो बस ये था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट हैं तोड़फोड़ के साथ। तब तक अगले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।